हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सीखो में। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से पराठा। ये पराठे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी इसे ज़रूर बनाना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बचे हुए चावल लिए हैं और एक कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। चावल को हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और आटे को भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच जीरा। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये हमने आटे को गूंथ लिया है। अब हम इसे ढक करके 5 मिनट रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे सॉफ्ट कर देंगे। अब हम इसमें से थोड़ा आटा लेकर के इसका लोया बनाएंगे। और इसे सूखे आटे में लपेट करके बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बेलना है। अब हम इसे सेकेंगे। तो सेकने के लिए मैंने गैस पर तवे को गरम रख दिया है। तवा गरम हो गया है तो पराठे को हम तवे पर डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद इसे पलटेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे, दोनों साइड तेल लगा देंगे। और इसे अलटते पलटते अच्छे से पका लेंगे। तो ये हमारा पराठा अच्छे से पक गया है। तो इसे प्लेट में ले लेंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे बना देंगे। तो ये हमारे टेस्टी पराठे बनकर के तैयार है। पराठे बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।